आज हमको आपको 10 टिप देने वाले हैं जो आपके शॉर्ट वीडियो को वायरल करने में हेल्प करेगा, और एक बोनस टिप है, हाउ टू वायरल अ शॉर्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। आई विल गिव यू अ हिंट, यू हैव टू आंसर ऑन कम्युनिटी पोल अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन। हम आपको उस टिप के हिंट्स देंगे और आपको उसको आंसर करना है अपने इच्छा के अनुसार से, आपका क्या ओपिनियन है उस क्वेश्चन का, जो हम आपको टिप दे रहे हैं उसका आपका क्या ओपिनियन है वो आपको बताना है, कहाँ पे, कम्युनिटी पोल पे। तो लेट स्टार्ट एंड फाइंड आउट द टिप्स। सभी रोते हुए आते हैं, लेकिन जब इस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको अच्छी टिप्स मिलेगी और आप उसको फॉलो करिएगा तो आपका वीडियो 100% वायरल होने के चांसेस हो जाएंगे। सो अगर आपको पसंद आए और आपका वीडियो वायरल हो जाए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल रतन अग्रवाल। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम आपको बोनस टिप दे रहे हैं, इसमें आपको सस्पेंस बनाना अपने वीडियो में कि वीडियो में क्या होने वाला है लोगों को ना पता लगे। तो उसके लिए आपको ऐसा वीडियो बनाना है कि जो काम कर रहा है कोई आदमी वीडियो में तो वो लोगों को समझ ना आए कि वो क्या कर रहा है, और अंत में आप उसको शो करिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं वीडियो में, जो उसका रिजल्ट अंत में दिखाइए तो लोगों में क्यूरियोसिटी बनी रहेगी और आपका वीडियो लोग देखेंगे। सो लेट स्टार्ट। तो बोनस टिप यही है कि आप उसमें सस्पेंस बनाइए। शॉर्ट कितने मिनट की रखे कि वायरल होती है, कितने मिनट की शॉर्ट वायरल होती है, इसके लिए हमने पोल बनाया है और कि आपको वायरल शॉर्ट वीडियो को कितने मिनट की बनाना चाहिए। तो चलते हैं पोल पे। ये देखिए हमने दिया है 1 to 15 सेकेंड, 15 to 30 सेकेंड और 30 to 1 मिनट। किसी ने आंसर भी किया है 1 to 15 सेकेंड, लेकिन अगर आप बहुत छोटी वीडियो बनाते हैं तो लोगों को आपके थीम का पता नहीं लगेगा, और आपका वीडियो अगर वो पूरा देख भी लेते हैं तो आपको वॉच टाइम कम मिलेगा और आपकी वीडियो वायरल भी हो सकता ना हो पाए, बनस्पत उसके कि जिसने बड़ी वीडियो बनाई है 30 सेकेंड से 1 मिनट के बीच में बनाई हो और वो अपनी बातों को ज़्यादा अच्छे से समझा पा रहा है तो लोग उसकी वीडियो ज़्यादा देखने जाएंगे, क्योंकि उसमें उसको कुछ रिजल्ट मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है जिससे लोग वहाँ पे ज़्यादा जाएंगे। किसी ने 1 to 15 सेकेंड लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ अ करेक्ट साइज ऑफ शॉर्ट वीडियो। आई थिंक ये सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी हम पोल पे जाकर इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है इसकी साइज हमारी। व्हाट इज़ अ करेक्ट साइज ऑफ शॉर्ट वीडियो, 16:9, 9:16 और 1:1। तो 16:9 तो आपकी बड़ी वीडियो की साइज है, इसको कभी मत यूज़ कीजिएगा, और हमेशा अपने मोबाइल को वर्टिकल रख के वीडियो बनाइएगा, या आप पावर पॉइंट में बनाते हैं तो 9:16 का रेशियो सेलेक्ट करिएगा। आप 1:1 का रेशियो भी ले सकते हैं। किसी ने आंसर 9:16 करेक्ट किया है। सो नेक्स्ट, YouTube शॉर्ट ऑप्शन से शॉर्ट बनाएं या थर्ड पार्टी टूल से, इसमें ज़्यादा फैसिलिटी है। आपको क्या लगता है कि YouTube शॉर्ट से शॉर्ट बनाने से वो वायरल होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी एनिमेशन फैसिलिटी नहीं है, सॉन्ग भी लिमिटेड हैं, और फैसिलिटीज उसमें उतनी अच्छी नहीं है कि आप एडिटिंग भी अच्छे से कर पाइए। तो आप कैनवा, काइन मास्टर, इन शॉर्ट या थर्ड पार्टी कोई भी टूल यूज़ करके आप अपनी वीडियो को एडिट करके, उसमें एनिमेशन डाल के और उसमें एडिटिंग करके प्रॉपर वे से आप अपनी वीडियो को बना सकते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। टेक्स्ट लाइन अपर और लोअर पोर्शन ऑफ द शॉर्ट में देना लाभकारी होता है। अगर आपके आपको पता होगा कि शॉर्ट वीडियो में ज़्यादातर यूट्यूब थंबनेल हटा देता है, तो अगर आप अपने
वीडियो के ऊपर या नीचे टेक्स्ट लाइन देते हैं जिसमें आपकी वीडियो की थीम पता लगती है, तो लोगों को पता लगेगा कि आपका शॉर्ट किस चीज़ पे बना है, तो वो आपके वीडियो को देखेंगे। अदरवाइज जब थंबनेल हट जाएगा तो लोगों को ये समझ नहीं आता कि आपका वीडियो किस टॉपिक पे है, तो वो उसको नहीं देखते। तो उसके लिए क्या क्वेश्चन है पोल पे, टेक्स्ट अपर और लोअर पोर्शन ऑफ द शॉर्ट वीडियो में देना लाभकारी होता है कि नहीं, ऊपर और नीचे देना लाभकारी होता है कि नहीं, तो यस है या नो है, आप अपने इसमें किसी ने नो दिया है कोई बात नहीं। अब नीचे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुरू में ही लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर के लिए ना बोले शॉर्ट कोई नहीं देखेगा। अगर आप शुरू में अपनी बात बताने की जगह पे लाइक सब्सक्राइब कमेंट बोलते हैं तो आपका वीडियो कोई नहीं देखेगा। सो उसमें शुरू में ही लाइक सब्सक्राइब ना बोलकर वो चीज़ बोलें जिसमें लोगों को इंटरेस्ट हो आपके वीडियो को देखने में। तो मेरे ख्याल से यस आंसर होना चाहिए, लेकिन आप जो चाहते हैं वो दीजिएगा आंसर। नेक्स्ट है टिप, टाइटल बड़ी वीडियो की तरह ही क्लिकेबल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तभी वो वीडियो वायरल होगा कि ऐसे ही हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से तो क्लिकेबल टाइटल होगी तभी आपका वीडियो वायरल होगा, क्योंकि थंबनेल तो हट जाएगा, तो थंबनेल हट जाने से क्या होगा, आपके फिर वीडियो के बारे में लोगों को तभी पता लगेगा जब आपकी टाइटल बहुत ही अट्रैक्टिव हो और लोगों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो और ज़्यादा लोग उसको देखना चाहते हों, तभी आपकी वीडियो लोग देखेंगे। तो यस नो या पता नहीं में से आपको जो सही लगे उस पर टिक करिएगा, और प्लीज़ जाइएगा जरूर कम्युनिटी पे। आप लोग बिल्कुल कम्युनिटी पे जाते नहीं, इसलिए हमको ये वीडियो बनाना पड़ा। नेक्स्ट है हैशटैग शॉर्ट, जरूरी है शॉर्ट्स में, पर हैश शॉर्ट पीड, हैश शॉर्ट वन, हैश शॉर्ट वीडियो भी दें तो अच्छा होगा। अगर आप हर हैशटैग में शॉर्ट्स लिखना जरूरी है, कहाँ कहाँ लिखना जरूरी है ये आपको बताना था। तो अभी ये वाला आया नहीं है YouTube में, तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा YouTube पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो पोल हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर YouTube पे जाकर .com करेंगे, यहाँ पर जाएंगे YouTube चैनल पर जाएंगे, कम्युनिटी पर जाएंगे। कम्युनिटी में हमारे अभी 4 शेड्यूल्स हैं पोल्स, जिसमें हमारे क्वेश्चंस हैं वीडियो के, तो हम चलते हैं शेड्यूल वीडियो पे पोल्स पे। तो शेड्यूल पे जब हम जाएंगे तो हमारे 4 क्वेश्चंस दिखेंगे। तो वो 4 क्वेश्चंस क्या हैं, हैशटैग शॉर्ट जरूरी है शॉर्ट्स में, पर शॉर्ट फीड, शॉर्ट फन, शॉर्ट वीडियो डालेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। तो कहाँ कहाँ डालेंगे, टाइटल में, टाइटल डिस्क्रिप्शन में या टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग में। तो आंसर हमारा 3rd होना चाहिए कि टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग में। अब आपके हिसाब से क्या आंसर है उस पर क्लिक करिएगा। नेक्स्ट है दिन भर में कितनी शॉर्ट अपलोड करनी चाहिए, दिन भर में 1 से 3 शॉर्ट अपलोड करनी चाहिए, 3 से 5 शॉर्ट अपलोड करनी चाहिए, 5 से 7 शॉर्ट अपलोड करनी चाहिए या 7 से 10 शॉर्ट अपलोड करनी चाहिए। मेरे ख्याल से 1 से 3 सफिशिएंट है, सुबह दोपहर शाम कर लीजिए बहुत है। अगर आपकी कैपेसिटी तो आप 5 दिन भर भी कर लीजिए, लेकिन व्यूअर्स भी थक जाते हैं और एक ही आदमी के शॉर्ट्स को वो बार बार नहीं देखना चाहते हैं, तो आपकी मेहनत जो होगी वो बेकार हो जाएगी, वो आदमी आपका शॉर्ट्स नहीं देखना चाहेगा। तो कोशिश करिए कि आप अच्छी वीडियो बनाइए, कम बनाइए लेकिन ऐसी बनाइए कि लोग आपके शॉर्ट्स को देखें। तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 5 डाल सकते हैं आप, लेकिन मेरे ख्याल से तो 1, 2, 3 सफिशियंट है। और आपका क्या ओपिनियन है इस पर आप क्लिक करके बताइएगा।
लास्ट क्वेश्चन सेकंड नाइन्थ क्वेश्चन है, बड़ी वीडियो की तरह ही एसईओ करके टैग दें तो शॉर्ट वीडियो वायरल होने के लिए दें अगर टैग तो क्या फायदा होगा? तो उसमें यस नो जरूरी नहीं है। तो बहुत से लोग कहते हैं टैग मत दीजिए, लेकिन जो फनी वीडियोस हैं उसके लिए तो टैग मत दीजिएगा तो ठीक है, लेकिन टेक्निकल चैनल या ट्यूटोरियल चैनल या एजुकेशनल चैनल के लिए अगर आप टैग नहीं देते हैं तो वो एसईओ उसका प्रॉपर नहीं हो पाता है और वो सर्च में नहीं आती है वीडियो। तो सर्च में लाने के लिए और ब्राउज़र फीचर में लाने के लिए आपको टैग देना ज़रूरी है, क्योंकि जो वायरल टैग होते हैं जब वो आप लगाइएगा तभी आपकी वीडियो वायरल होगी। और लास्ट है कि शॉर्ट के लिए क्या अलग चैनल बनाना ज़रूरी है? तो बहुत से लोगों का ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत से लोगों का है ज़रूरी है, और बहुत से लोग मिक्स डालते हैं जैसे मैं डालती हूँ। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि अगर अलग चैनल आप बनाइएगा तो व्यूअर्स को देखने में कन्वीनियंट होगा और वो देखेगा आपका वीडियो फ्रीक्वेंटली, एक के बाद एक शॉर्ट वीडियो देख लेगा, बीच में अगर बड़ा वीडियो होगा तो उसको प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो आपके नेक्स्ट वीडियो को नहीं देख पाएगा। और शॉर्ट, लेकिन मेरे ख्याल से तो कम्युनिटी पर शॉर्ट की प्लेलिस्ट अगर बनी है तो अगर व्यूअर वहाँ देखना चाहेगा तो भी वो शॉर्ट्स देख लेगा। लेकिन कोशिश करिए कि आप नया चैनल बना लीजिए जैसा कि लोग रिकमेंड करते हैं, तो उससे आपकी वीडियो वायरल होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वॉच करिए, आंसर कम्युनिटी पोल पर आंसर करिए जैसा कि आपको अच्छा लगता है कि वीडियो कैसी होनी चाहिए शॉर्ट, और कैसी हम दें कि वीडियो वायरल हो। कुछ अपने ओपिनियन भी आप पोल पे दे दीजिए जिससे पता लगे कि आप लोग का क्या ओपिनियन है। और मेरे सारे सोशल मीडिया को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल रतन अग्रवाल आईटी इन्फॉर्मर को, ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल टेक रतन को और वहाँ पर भी वीडियो में कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और चैन की नींद सोइए। अगर आपकी वीडियो वायरल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि आपका चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।